तो यहाँ पर एमबीबीएस के बाद जो भी स्टूडेंट डेंटल कोर्स में जाना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वहाँ एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग का आपको तीन कोर्सेज का ऑप्शन मिलने वाला है। तो नर्सिंग तो एक बहुत ही लास्ट का ऑप्शन हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट में अगर आप स्कोर लेके आए तो डेफिनेटली एमबीबीएस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। एक कंपटीशन का आइडिया आपने 24 में लगा लिया होगा, हाईएस्ट रैंकिंग वाले कितने सारे लोग रहे हैं, और नीट में इस बार जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बहुत ज्यादा है, और कट ऑफ में काफी ज्यादा एक हाइक आया हुआ है, काफी ज्यादा नंबर्स का एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा सभी कोर्सेज में, चाहे वो आपका एमबीबीएस हो, बीडीएस हो या आपके जो अदर कोर्सेज हैं उनमें भी इंक्रीमेंट होने वाला है, उनमें भी कट ऑफ आपकी ऊपर जाएगी। बीएमएस, बीएचएमएस या आयुष कोर्सेज हैं उनके अंदर भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा। बट अभी हम बात करने वाले हैं जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो रही है, और इसमें अगर आप बीडीएस कोर्स में जाना चाहते हैं तो बीडीएस में लगभग कितने स्कोरिंग पे आपको कॉलेज मिलने के चांसेस होंगे, कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी स्टूडेंट्स के लिए ये लीस्ट कट ऑफ यहाँ पे आपको लिखी हुई है जिसको आपको समझना होगा। और ये कट ऑफ आपका 22, 23 और 21 का डेटा कंसीडर करते हुए बनाया गया है, तो लगभग इतनी रैंक पे आपको मैक्सिमम, अगर आपका इतना रैंक है तो इस रैंक तक आपके लिए ऑल इंडिया कोटा से अलॉटमेंट आने के चांसेस हैं, अलॉटमेंट आपको आ सकता है। तो दिस इज एन एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि लगभग अगर आप इस रेंज में हो, इतना लगभग आपका स्कोरिंग आ रहा है, तभी आप एमसीजी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। बहुत अगर गैप है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो एमसीजी की काउंसलिंग का कोई खास बेनिफिट आपके लिए नहीं होने वाला, आपको अदर स्टेट कोटा में अदर कोर्सेज के लिए डिफरेंट और काउंसलिंग का प्लान करना होगा। तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए, अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपका 69,000 रैंक तक आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है, 605 मार्क्स आपका रहने वाला है जो मार्क्स के बेसिस पे आप देखेंगे अगर। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप जाना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 92,000 रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है, 588 मार्क्स के अराउंड आपकी स्कोरिंग आ रही होगी मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओबीसी कैटेगरी के थ्रू अगर आप जाते हैं, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है तो ओबीसी वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 74,000 रैंक तक आपको अलॉटमेंट आ सकता है, 603 मार्क्स या 602 मार्क्स के अराउंड आपका, 602 मार्क्स के अराउंड आपका स्कोरिंग यहाँ पे आएगा। अगर आप एक एससी कैंडिडेट है, एससी कैटेगरी से आने वाले स्टूडेंट है, तो आपको यहाँ पर 220,000 रैंक तक बीडीएस के अंदर आपको सीट मिल सकता है, 490 मार्क्स आपका बनेगा। एससी कैटेगरी में आपको यहाँ पर 320,000 आपका रैंक आएगा शेड्यूल ट्राइब में, और 422 मार्क्स आपका यहाँ पे रहने वाला है। ये लगभग एक आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि जो भी स्टूडेंट इस रेंज में है, अगर आपकी स्कोरिंग इस रैंक के अकॉर्डिंग या इस स्कोर के अकॉर्डिंग आती है कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको यहाँ पे सीट मिल सकता है। बाकी आपके लिए बहुत सारे अदर कोर्सेज की काउंसलिंग्स हैं, अगर आप इस बार फिर से ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं या आप कहीं ना कहीं इस बार 24 में आपको एडमिशन लेना ही है, तो आपके लिए आयुष काउंसलिंग है, बीएमएस वगैरह कोर्सेज के लिए भी आप देख सकते हैं, उनमें भी आप ट्राई कर सकते हैं कि वहां पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्या कट ऑफ रह रही है। इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, अगर आप बीएमएस से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ कोई भी आपका इंक्वायरी है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके हमारी टीम से आप डिस्कस कर सकते हैं, कॉलेजेस और काउंसलिंग में जो भी आपको सपोर्ट चाहिए वो हमारी टीम से आपको हेल्प जरूर किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।